आइए, पहले कवि को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस शोर के साथ कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है। आइए जोरदार तालियों के बीच में भाई आनंद श्रीवास्तव का स्वागत कीजिए, जरा दोनों हाथ उठाकर जिस तरह से भाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा नायक या इतिहास का ऐसा सरदार जिसको दरबार के इतिहासकारों ने कुत्सित प्रयास से दबा दिया, वीर सावरकर जिनकी बातें बहुत कम होती हैं, उनके ऊपर मैं एक कविता सुनाऊंगा। सुनिए, मैं सभी कवियों को नमन करता हूं और सभी अतिथियों को भी। मैं यह गाथा सुना रहा हूं सावरकर बलिदानी की, मैं यह गाथा सुना रहा हूं सावरकर बलिदानी की, एक वीर पुत्र एक धरा पुत्र एक अद्भुत अजय जवानी की, जिसने आजादी पाने को भारत से लंदन नापा था, जिसने आजादी पाने को भारत से लंदन नापा था, हाँ वही वीर सावरकर जिससे ब्रिटिश हुकूमत कांपा था, हाँ वही वीर सावरकर जिससे ब्रिटिश हुकूमत कांपा था, जिसके खून का हर बूंद बूंद भारत का गान सुनाता था, जिसके खून का हर बूंद बूंद भारत का गान सुनाता था, जिसके लेखन की समृद्धि भारत का बोध कराता था, जिसने बदली थी परिभाषा, जिसने बदली थी परिभाषा बंधक पर तंत्र जमाने की, यह गौरव गाथा सुना रहा मैं सावरकर। जिसके भाषण में अनलताप, जिसके भाषण में अनलताप कविता में था अंगार भरा, जिसके भाषण में अनलताप कविता में था अंगार भरा, वज्र शक्ति लेखन में रहती जिसने स्वातंत्र संग्राम गढ़ा, बांध न पाई बेड़ी जिसको रोक न पाई दीवारें, पग पग पर स्वागत करती रहती थी जिसका अंगारे, उस तेज पुंज ने लिखी कहानी अद्भुत काला पानी की, यह गौरव गाथा सुना रहा मैं सावरकर बलिदान। आखिरी पंक्ति, इस देश के लिए सावरकर क्यों होना पड़ता है, ये पंक्ति है कि भारत के अमर जवानी पर जब दाग लगाए जाते हैं, भारत के अमर जवानी पर जब दाग लगाए जाते हैं, जब वीरों की कुर्बानी पर संदेह कराए जाते हैं, जब कुछ नेताओं की बोली आतंकी से मिल जाती है, जब कुछ नेताओं की बोली आतंकी से मिल जाती है, देश के टुकड़े करने वाली अधरे जब मुस्काती हैं, तब देश भक्ति में सना युवा मन सावरकर हो जाता है, देश भक्ति में सना युवा मन सावरकर हो जाता है, जो युगों युगों तक जनगण मन में अजर अमर हो जाता है, जो युगों युगों तक जनगण मन में अजर अमर हो जाता है। एक आखिरी छोटी सी कविता स्वागत जो मैं कहके अपना स्थान लूंगा, यह कविता इसलिए आवश्यक है कि कुछ विश्वविद्यालयों से देश को टुकड़े करने वाले आवाजें निकलती हैं, तो BHU से क्या निकल रही है यह संदेश मैं भेजना चाहता हूं। कहता है कि कष्ट हमें भी होता है मन क्रंदन स्वर में रोता है, कष्ट हमें भी होता है मन क्रंदन स्वर में रोता है, जब अपने देश के भीतर ही आतंक अमर साधकता है, जब देश का युवा देश में रहकर अफजल अफजल गाएगा, जब देश का युवा देश में रहकर अफजल अफजल गाएगा, तुम ही बोलो फिर क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा, भारत के टुकड़े कर दो अरमान जगाए जाते हैं, भारत के टुकड़े कर दो अरमान जगाए जाते हैं, वंदे मातरम मत कहना फरमान सुनाए जाते हैं, और आतंकी के मरने पर जो गीत अमर का गाते हैं,
आतंकी के मरने पर जो गीत अमरका गाते हैं, भारत में रहते हैं पर जो पाक खबर पहुंचाते हैं, भारत में रहते हैं पर जो पाक खबर पहुंचाते हैं, और नवरात्र के पावन बेला में जब देश भजन में डूबा हो, नवरात्र के पावन बेला में जब देश भजन में डूबा हो, महिषासुर के वंशस्तम महिषासुर दिवस मनाते हैं। ना ही बोली ना ही गाली और ना ही तुमको मारे, ना ही बोली ना ही गाली ना ही तुमको मारेंगे, तुम लाख बार गलती करना हम लाखों बार सुधारेंगे, पर जब लिए तिरंगा हाथों में फौजी की टोली निकलेगी, हिंद देश को गाली दे जो सीधे गोली निकलेगी, और लाहौर कराची की धरती भी जगमग जगमग जलेगा। Oh, yeah.